हम पुनः उपस्थित हैं आज आपके समक्ष देवो पुनीत अतिशया से युक्त त्रय तीर्थंकरों के द्वादश कल्याणकों से पावन पवित्र हुई समस्त श्यामला भूमि हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र के हस्तिनापुर के श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर के भव्य स्वर्णमय त्रिमूर्ति जिनालय में विराजमान जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान के सम्मुख चल रहे 18वीं बार 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान महामंडल विधान की मनोरम झलकियों के साथ। आप लगातार इस मनोकामना पूर्ण महानुष्ठान का पुण्य लाभ घर बैठे अर्जित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अनेकों श्रद्धालु भक्त दूर दूर से हस्तिनापुर की पुण्य धरा पर स्थित मंदिर जी में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं व अपने जीवन को धार्मिकता से जोड़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की विशेष झलकियों को। विधान के 23वें दिन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य मंदिर जी में सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर भगवान का अभिषेक किया। जिसके बाद सभी एक साथ कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित होते हैं, जिसके साथ ही श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सदस्य व विधान संयोजक विजय कुमार जैन बैंक वाले मेरठ द्वारा माला मुकुट पहनाकर आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा की जाती है। भगवते सीमते आज की शांति धारा करने का सौभाग्य श्री चेतन जैन, संकला जैन, उर्मिला जैन, प्रतीक, पूजा नैन्सी, दिशिक जैन सपरिवार कलोल को प्राप्त हुआ। नमस्ते परिवार, कालोल गुजरात गांधीनगर निवासी सा परिवार से श्री प्रफुल्ल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान प्रमोद जी जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री निखिल जैन, दीपा जी जैन, इंदिरापुरम गाजियाबाद निवासी परिवार में सुख शांति एवं प्रफुल्ल जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु मंगलमयी भावना के साथ सा परिवार से श्री सुनील कुमार जैन, स्वर्णलता जैन, शशि प्रभा जी जैन, गुलाबी बाग दिल्ली निवासी सा परिवार से हार्दिक जैन, अंबुज जैन, रेणु संजय जैन, श्री पंकज जैन चेयरमैन पारस चैनल से श्रीमती वैशाली जैन, भव्य जैन, कनिष्का जैन दिल्ली निवासी श्रीमती रमा जैन, रमेश चंद, पंकज, प्रीति, देवांशु, येसुपालम कॉलोनी, ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम त्रिलोक के अधिपति चतुर्विंशति तीर्थंकर समोसरण मध्ये त्रिछत्र स्थापनम करोमि। ओम ह्रीम चतुर्विंशति तीर्थंकर समोसरण मध्ये त्रिछत्र चौसठ चमर स्थापनम। अभिषेक पूजन के उपरांत भगवान की मंगल आरती की जाती है। जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के नित्य नियम पूजन के बाद विधान की मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ किया जाता है। आज विधान के 23वें दिन 295 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन किया गया। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के दिशा निर्देशन में एवं युवा पंडित आशीष जैन शास्त्री एवं आयुष जैन शास्त्री द्वारा विधान की सभी मांगलिक क्रियाओं का वाचन करते हुए विधान का शुभारम्भ किया गया। इस अनुष्ठान में पधारे 40 दिवसीय विधान के आयोजक शशांक जैन, नीतू जैन, कौशल जैन, चमन जैन, अजय जैन, मीना जैन, हार्दिक जैन, सुनील जैन, सुशीला जैन, अनिकेत, दीपा जैन, तनु जैन, आशीष जैन, प्रमोद जैन, उर्मिला जैन, विवेक जैन, आरुष जैन आदि परिवारों ने विधान में सम्मिलित हो भगवान की आराधना की। शांति विनायक एच श्री प्रातिहारे संयोग सोड़ स्थितंकर
शांतिनाथ भगवान अत्र अवतरोतर शंभो षटिति आवागनम्। जय हो जय हो जय हो। ओम रीम सम्यक् दर्शन ज्ञान चरिति कारकाय पंच परमेष्टि पद प्राप्ताय शांति नाथाय नमः। प्रथम बलय मध्य पूर्णैर्घम निभामि धी भैया। ओम रीम सर्व विघ्न विनाशक दर्शन आराधनाय श्री शांतिनाथाय अर्घ निभामि धी। ओम रीम दीदंकर वद प्राप्ते शील व्रते सनति चार भावना विभूषे शांतिनाथाय नमः अर्घ निभामि। ओम रीम दीदंकर वद प्राप्ते वीक्षण ज्ञानोपयोग भावना विभूषे शांतिनाथाय नमः अर्घ निभामि धी। ओम रीम तीर्थंकर पद प्राप्ते अभीक्षण सम्यक् भावना विभूषे श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रिय अर्घ निभामते। ओम रीम तीर्थंकर पद प्राप्ते शक्ति तस्त्याग भावना विभूषे शांतिनाथ जिनेन्द्रिय अर्घ निभामते। ओम रीम तीर्थंकर पद प्राप्ते साधु समाधि भावना विभूषे शांतिनाथ जिनेन्द्रिय नमः अर्घ निभामि धी। ओम ह्रीम तीर्थंकर पद प्राप्ते अरित भक्ति भावना विभूषे शांतिनाथ जिनेन्द्रिय नृपांते। ओम ह्रीम तीर्थंकर पद प्राप्ते आचार्य भक्ति भावना विभूषे शांतिनाथ जिनेन्द्रिय नृपांते। ओम ह्रीम तीर्थंकर पद प्राप्ते बहुश्रुत भक्ति भावना विभूषे शांतिनाथ जिनेन्द्रिय नृपांते। ओम ह्रीम तीर्थंकर पद प्राप्ते प्रवचन भक्ति भावना विभूषे शांतिनाथ जिनेन्द्रिय नृपांते। ओम ह्रीम आत्म प्राप्तार्थम चवर प्रातिहार विभूषे शांतिनाथ जिनेन्द्रिय नृपांते। सोले कारण भजो तीर्थंकर पद है ओम रीम त्रैलोक पूजी द्वात्रिंशत गुण विभूषे शांतिनाजिनेन्द्रय नमः। तृतीय बले मध्य पुनर्गम निभामि धी। अब ज्ञान के धारी मुनिवर धम्मों के हितकारी हैं। दोषों के परिहारी ओम रीम शिरो रोग विनाशन समान अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि विभूषे शांतिनाथाय नमः अर्घ निभामि धी। ओम रीम परस्पर विरोध विनाश समर्थ पादानुसारणे बुद्धि रिद्धि विभूषे शांतिनाथ जिनेन्द्रिय अर्घ निभामते। ओम रीम कामित वस्तु विदान समर्थ काम रूप वित्त विक्रिया रिद्धि विभूषे श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रिय नमः। अन्य रिखवत प्राप्ति रिघम निर्विपामति दग्ना भरते वे मुनिवर जो जंगा वल रिद्धि पाव। श्री शांतिनाथ की शरण में आया अपने कष्ट मिटाने को शांति विधान रचाओ मैं तो मोक्ष महाफल पाने को। ओम नीम नष्ट पदा चिंता विनाश समर्थ जंगा चारण क्रिया रिद्धि विभूष श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रिय नमः। अर्घ्यम निर्विपामति दुष्पीड विनाशन समझ ज्योतिष चरण क्रिया रिद्धि विभूष श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रिय नमः। अन्य रिखवत प्राप्ति रिघम निर्विपामति प्रचंड पवनोद्भव भय विनाशन समत मरुच्चारण क्रिया रिद्धि विभूषित श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रिय नमः। अर्घ्यम निर्विपामति उग्र तपस्या रिद्धि से मुनि उग्र उग्र तप पाते हैं इच्छा से जीवंत काल तप में बढ़ते जाते हैं। शांति विधान रचाऊं मैं तो मोक्ष महाफल पाने को। ओम रीम शीत ज्वरादि विकार विनाशन समय सर्पिता विरत रिद्धि विभूषे शांतिनाथाय नमः अर्घ निभामि धी। ओम रीम अनंत सुख प्राप्त्यर्थम सर्व दुख के विनाशन समय चतुष्टि रिद्धि विभूषे शांतिनाथाय नमः पुनर्घ निभामि धी। ओम नि जगत शांति करे शांतिनाथाय नमः। सर्वद्रव शांतिम करो करो। ओम नि जगत शांति करे शांतिनाथाय नमः। सर्वद्रव शांतिम करो करो। ओम नि जगत शांति करे शांतिनाथाय नमः। सर्वद्रव शांतिम करो करो। ओम नि जगत शांति करे शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम करो करो। ओम नि जगत शांति करे शांतिनाथाय नमः। सर्वद्रव शांतिम करो करो। ओम नि जगत शांति करे शांतिनाथाय नमः। सर्वद्रव शांतिम करो करो। ओम नि जगत शांति करे शांतिनाथाय नमः। सर्वद्रव शांतिम करो करो। जिनेन्द्रिय नमः जय माला पुनर्गम निभामि धी। ओम रीम जिनमुखोद्भूत द्वादश सांगी मयि जिनवाणी माता
मम भेद विज्ञान ज्योति केवल ज्ञान ज्योति प्रगटाए जलाए जी अर्घम निमामि दी। भगवान के तीनों कल्याणकों को भरे हर्ष और आनंद के साथ मनाते हुए हस्तनापुर की धरा पर ही अब 10 तारीख को धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक बड़े धूमधाम के साथ में अभी हम सभी ने यहाँ पर बड़े भावों के साथ में चांदी के पालने के अंदर प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया है, लेकिन अब धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक हम रत्नों के द्रव्य लेकर के माड़ने पे चढ़ाते हुए उनके मोक्ष कल्याणक एवं शांति विधान को करने जा रहे हैं। ऐसा आपने कभी भी रत्नों से प्रभु की पूजन नहीं की होगी तो आप भी अवश्य हस्तनापुर की धरा पर 10 तारीख को यहाँ पर अवश्य आए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम प्रिया जैन है, मैं हस्तनापुर से ही हूँ। आज यहाँ पर शांति विधान किया तो बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत आनंद मिला। यहाँ पर भगवान का मोक्ष कल्याणक और जन्म कल्याणक मनाकर बहुत ही आनंद आया है। शांति विधान में इतना आनंद आ रहा है कि जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। सायकालीन की मंगल बेला में महाआरती में संगीत के मधुर ध्वनि पर महाआरती की गई। भक्ति में सराबोर भक्तों ने मंगल गीतों पर भक्ति नृत्य कर झूमते हुए भगवान की भक्ति भाई। किसको मैं अपना कहूँ, कोई नजर आता नहीं। किसको मैं अपना कहूँ, कोई नजर आता नहीं। इस जहाँ में आप बिन कोई भी मन भाता का समय आया तो उन कौरवों के साथ में द्रोणाचार्य भी थे। तो द्रोणाचार्य का पुत्र जो अश्वत्थामा था, उसने दुर्योधन की हार को देखते ही उन्हें विजय श्री दिलाने की भावना से उसने रात के समय में पीछे से आकर के और द्रौपदी के पुत्रों का क्या कर दिया था, बध कर दिया था, उन्हें मार डाला था। और जैसे ही द्रौपदी ने पुत्रों का मरण समाचार सुना तो आप जानते ही हैं कि एक माँ की क्या हालत हुई होगी। उस समय वो मूर्छित हो जाती है, रुदन करती है, बड़ी व्याकुल हो जाती है। ऐसी व्याकुलता में जैसे कि पांडवों को मालूम पड़ा कि बेटों की मृत्यु हो गई है, किसने की है, ये भी जैसे ही ज्ञात हुआ तो पांडवों ने उसकी खोज करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाता है और कहता है कि बोलो ये तुम्हारे पुत्रों का मृत्यु करने वाला
उन्हें परलोक भेजने वाला एक है, इसका क्या करूं? और तलवार हाथ में लेकर के उसके गर्दन की तरफ ले जाते हैं। उसी समय द्रौपदी के अंदर का मातृत्व जाग जाता है। कहते हैं नारी की महिमा स्त्री पर्याय से नहीं है, नारी की महिमा यदि कही है तो कहते वो ममता की मूर्ति होती है, त्याग की मूर्ति होती है, वात्सल्य और करुणा का रग रग में समाया रहता है। तब उसकी प्रशंसा मान तुंग जैसे आचार्यों को भी भक्तांबर स्तोत्र के अंदर करनी पड़ी। सौ सौ नारी सौ सौ सुत को जनती रहती सौ सौ ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और क्योंकि महात्मा तीर्थंकरों जैसों को भी जन्म देने वाली यदि कोई होती है तो वो कौन होती है? नारी ही होती है। तत्पश्चात रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के पुरस्कार श्रीमती निर्मला जैन जगराव पंजाब द्वारा प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम का मंच संचालन बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी व पंडित आशीष शास्त्री व आयुष जैन शास्त्री जी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्षेत्र के अध्यक्ष जीवेंद्र कुमार जैन, महामंत्री मुकेश कुमार जैन सर्राफ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन गैस वाले, अनिल कुमार जैन मेरठ, राकेश कुमार जैन मुजफ्फरनगर, राजीव जैन मेरठ, राजीव जैन सहारनपुर, अभय कुमार जैन मेरठ, वीरेंद्र कुमार जैन मुजफ्फरनगर, महाप्रबंधक मुकेश कुमार जैन, उप प्रबंधक अशोक कुमार जैन, श्री उमेश जैन, श्री अतुल जैन, गुरमीत, अनुपम कुमार आदि का सहयोग रहा। दर्शकों फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष शांतिनाथ विधान के विशेष झलकियों के साथ। आज्ञा दीजिए, जय जिनेंद्र।